नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए ये वाला जो लेक्चर लेके आया हूँ ये हमारे एमपीपीएससी मेंस के रिलेशन में है। इस लेक्चर में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जो एमपीपीएससी मेंस में पेपर 3 होता है उसका सिलेबस, इसके सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और फिर मैं इसमें आपको यह भी बताऊंगा कि हर टॉपिक जो भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उसको किस तरीके से मैं कवर करवाऊंगा आपका। दोस्तों ये जो लेक्चर है वो सबसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले उसके बारे में पता होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इस लेक्चर को फालतू ना समझें और इस लेक्चर को सिंसियरली वॉच करें सो दैट आने वाली सीरीज के सारे लेक्चर्स को आप प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस सिलेबस को डिस्कस करने से पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। जो मेंस का दोस्तों एग्जाम होता है वो होता है सब्जेक्टिव टाइप, यानी आपको क्वेश्चन आएगा और एक ब्लैंक जगह मिलेगी जिसमें आपको आंसर लिखना होगा, राइट? ये तो बहुत ट्रिवियल फैक्ट है, आपको भी पता होगा। नॉर्मली एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम में 6 पेपर होते हैं। पहले आप प्रीलिम्स में 2 पेपर दोगे, एक होगा सी सेट का और एक होगा जनरल स्टडीज का, और फिर जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आप अपीयर करते हो मेंस के एग्जाम में जिसमें आपको 6 पेपर फेस करने होते हैं और उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू 175 मार्क्स का, ठीक है? तो ये देखिए ये होता है मेंस का पैटर्न। तो पहले पेपर 1 होगा 300 मार्क्स का, पेपर 2 होगा 300 मार्क्स का, पेपर 3 300 मार्क्स, पेपर 4 200 मार्क्स का होता है। याद रखना जो पेपर 4 होता है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं वो सिर्फ 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का ही पेपर होता है। पेपर 5 होता है आपका जनरल हिंदी का जो कि 200 मार्क्स का होता है और ये भी 3 घंटे का होता है। उसके अलावा पेपर 6 होता है जिसमें आपको हिंदी के ऊपर एसेज लिखने होते हैं, 3 एसे लिखने होते हैं, 100 मार्क्स का होता है और 2 घंटे में ये करना होता है आपको। उसके अलावा 175 मार्क्स का इंटरव्यू भी होता है। टोटल बनता है 1575 नंबर, इसमें से आप जैसे भी स्कोर करोगे उस हिसाब से आपकी रैंकिंग आती है। पेपर 1 और 2 का सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पेपर 2 के ऊपर तो काफी लेक्चर्स भी अपलोड कर चुका हूं, राइट? अब ये है पेपर 3 का सिलेबस, तो इसको जानते हैं और ये देखेंगे इसको हम किस तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है साइंस का। तो साइंस के टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए जो साइंस के टॉपिक है ये सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो आपका रिलेट होता है केमिस्ट्री से, जिसमें आपको एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके लिए आप एनसीईआरटी की क्लास 9th और 10th के जो इनसे रेलेवेंट चैप्टर्स हैं अगर वहां से कवर करना चाहते हैं तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो या फिर लूसेंट से भी इसे पढ़ सकते हो आप। जो आपका 1.2 वाला सब टॉपिक है इसमें आपका ये है बायोलॉजी वाले पोर्शन से रिलेटेड, ठीक है? जिसमें आपको पढ़ना होता है ऑर्गेनिजम्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, टिश्यूज, सेल्स के फंडामेंटल यूनिट, उसके अलावा लाइफ प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। और जो पेपर इसका जो सब टॉपिक 3 है वो है ग्रेविटेशन, मतलब ये रिलेटेड है सब टॉपिक 3 फिजिक्स के साथ, जिसमें आपको मोशन, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी। तो देखिए इन तीनों जो साइंस के जनरल साइंस के टॉपिक हैं ये आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, तो प्लीज आप इसको क्या कहते हैं कवर कीजिए। किससे कवर करोगे, सबसे आसान तरीका है लूसेंट से कवर कर सकते हो या फिर जो एनसीईआरटी की क्लास 10th की किताबें हैं जो एक किताब है आप उससे भी कवर कर सकते हो, ठीक है? मैं अपनी तरफ से आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करवाऊंगा और इनको कवर करवाऊंगा। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं तो जो इसका सेकेंड टॉपिक है वो है रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पे। अब इस ये जो सेकेंड वाला टॉपिक है इसमें टोटल 4 पार्ट है। ये आपका नॉर्मली सी सेट वाला पोर्शन से रेलेवेंट है और इसमें थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग और एप्टी के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? जैसे कि बेसिक न्यूमरेसी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके अलावा डेटा हैंडलिंग एंड इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वैसे तो ऑलरेडी आप लोग जो जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होगा उनको ऑलरेडी पता होगा, बट इससे बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, इस वाले पोर्शन के जो ये टॉपिक्स मेंशन है जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एरिया, तो ये सारी आप पता है क्लास 8th की मैथ की जो किताब है ना उससे भी पढ़ लेंगे तो भी काफी होगा। प्लस मैं भी अपनी तरफ से इनके जो बेसिक फंडा या कॉन्सेप्ट होते हैं वो कवर करवाऊंगा, लेकिन मेंस की सीरीज के दौरान इसको नहीं करवाऊंगा, अलग से कवर करवाऊंगा, ठीक है? और जो पांचवा है वो है लॉजिकल रीजनिंग। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं
तो ये है आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में जो आपको पढ़ना है, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का साइंस सोशल डेवलपमेंट में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जो हमारे यहाँ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, फिर चाहे फिर वो आपकी जीपीएस, जैसे जो इंडिया का जीपीएस है उसको हम लोग बोलते हैं नाबिक, तो वो हो गया, या फिर और भी कोई टेक्नोलॉजी जो करंट अफेयर्स में रहती हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या एलोपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। तो इसके लिए आपको कहां से इसको कवर करना होगा, इसके लिए ये करंट अफेयर का पोर्शन होता है। तो जितनी भी एक साल में करंट में कोई टेक्नोलॉजी आती है, कोई मिसाइल होती है या कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट डिस्कवर होता है, तो उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। या फिर जैसे चंद्रयान 2 मिशन क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको ये सारा सब कुछ पढ़ना होगा, इसको मैं आपके करंट के आस्पेक्ट के हिसाब से इसको पढ़ाऊंगा, क्लियर है। और इसको हम सबसे आखिरी में कवर करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आता है पेटेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो सबसे पहली बात तो इसका स्टेटस जानने की जरूरत है, स्टेटस के बाद फिर इसके लिए इंडिया में क्या लॉ या लेजिस्लेशंस है उसको आपको पता होना चाहिए, और आज के टाइम पे ग्लोबल लेवल पे इससे क्या ट्रेड वॉर्स या इश्यूज हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, प्लस WTO के बारे में पता होना चाहिए, WTO के जो एग्रीमेंट्स हैं जैसे ट्रिप एग्रीमेंट, ट्रिम एग्रीमेंट, ठीक है। उसके अलावा गाट, गैट्स, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तीसरा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन दी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि सीवी रमन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, या फिर आज के टाइम पे भी जो मैथमेटिशियंस बनते हैं तो उनका क्या रहा है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। फोर्थ पोर्शन है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, स्पेस, GIS, GPS, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में जो आपके सबसे बड़ा इशू रहता है ना, इसका क्या कहते हैं, GM क्रॉप का, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, GPS में आपका वही नाविक वगैरह आ जाता है, स्पेस के रिलेशन में आपकी सैटेलाइट्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी। उसके अलावा ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज है ना, इनके केसेस में जो जैसे नोबल प्राइज मिलते हैं उनको, जितने भी बड़े साइंटिस्ट होते हैं, तो उनकी जो डिस्कवरीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या इनोवेशन हो रहे हैं, हेल्थ फील्ड में, ई गवर्नेंस में, ट्रांसपोर्ट, स्पेशल प्लानिंग, हाउसिंग, स्पोर्ट्स, तो इन सारी फील्ड से रेलेवेंट हमें एक तो सरकार की पॉलिसीज वगैरह पता होनी चाहिए सारी, कोई लेजिस्लेशन हो तो उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका रनिंग स्टेटस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हो जाती है एक तरीके से स्टैटिक पोर्शन। करंट में जो भी डेवलप होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट के केस में अगर हम लोग बोलें तो हाई स्पीड रेलवे आ रही है इंडिया में, ठीक है, उसके बारे में, या फिर क्या कहते हैं आपकी जैसे स्पेशियल प्लानिंग में, जैसे GIS की, क्या GIS को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली ई गवर्नेंस के बेसिस पे, तो जैसे अगर आपका कोई ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट आता है, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो गया, है ना, या फिर ई क्रांति प्रोजेक्ट हो गया, ई सहयोग प्रोजेक्ट हो गया, तो इन सारे चीजों से जिससे भी सिटीजन का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा सकता है, उन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगेन इट इज अ लिटिल सॉर्ट ऑफ करंट, तो ये भी थोड़ा करंट से रेलेवेंट होता है। अगले अगला जो टॉपिक है वो है एनर्जी। अब देखिए एनर्जी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, या फिर आपका क्या कहते हैं थर्मल एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, या फिर जियोथर्मल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। तो एक तो इन सोर्सेस के बारे में इंडिया का स्टेटस क्या है, ग्लोबल स्टेटस क्या है, इनसे रेलेवेंट क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी मैनेजमेंट से इश्यूज एंड चैलेंजेस, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और फिर करंट स्टेटस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि हम ऑल्टरनेटिवली किस चीज को यूज कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है, भले ही वो मॉडर्न एनर्जी है लेकिन उसमें क्या है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, तो उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और फिर जो अभी एग्जिस्टिंग एनर्जी सोर्सेज हैं उनके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं, ठीक है, क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं है, या फिर क्या भाई उनके लिए हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें। सो दिस इज द फिफ्थ टॉपिक, और ये थोड़ा सा मतलब इट इज अ मिक्स ऑफ आपका एक तरीके से कह लीजिए ये स्टैटिक पोर्शन प्लस डायनामिक पोर्शन का पार्ट है, तो इसमें स्टैटिक भी रहेगा और डायनामिक भी रहेगा। डायनामिक में क्या रहेगा, आपका करंट स्टेटस या ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज,
अब जो सिक्स वाला पार्ट है वो है आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इन्वायरमेंट आपके प्री में भी है और मेंस में भी है, तो प्री में तो आप पढ़िए पढ़िए, प्लस मेंस में भी इसकी पढ़ाई करनी है आपको। जैसे कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, उसके कॉसेस क्या है, इफेक्ट क्या है और उसकी रेमेडीज क्या है, मतलब वॉट आर दी ऑल्टरनेटिव। उसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, जैसे कि सबसे बड़ा ईपीए 1986, जो आपके जो आपका ये वाला पेपर है ना, पेपर टू, उसमें भी ये इसको ऑलरेडी कवर किया गया है। वाटर एक्ट क्या है, फिर क्या कहते हैं एयर एक्ट क्या है, तो ये सारे जितने भी इन्वायरमेंट को बचाने के लॉज हैं, या फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया आपका, चलो वो तो खैर इन्वायरमेंट से नहीं है रेलेवेंट। उसके अलावा फिर आपका ये हो जाता है क्या कहते हैं एनजीटी एक्ट, तो ये सारी लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या पॉलिसी है सरकार की। जैसे कैंपा एक्ट आया था तो उसके माध्यम से कैसे फायदा होगा इन्वायरमेंट को, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं और ये सारी चीजें, इन फिर उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजंस हैं, उसके अलावा इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट की डिबेट कि क्या जरूरी है, इन्वायरमेंट को बचाना जरूरी है या डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना जरूरी है, या फिर इन दोनों का कोई एक बीच का रास्ता यानी मध्यम मार्ग है या नहीं। सो दिस इज 6.3 वाला टॉपिक, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे, देखिए इसके लिए सबसे अच्छी बुक है आपकी, एक तो आप इसको कहां से कवर कर सकते हो, मैं सॉरी मेरे दिमाग से एकदम स्किप हो गया, शंकर आईएएस की, शंकर आईएएस की बुक है, पर ये अब आपके लिए काफी बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा एनआईओएस का मटेरियल भी है, ठीक है, तो इन दोनों से पढ़ सकते हो, या फिर मैं इन दोनों की रेसिपी आपके लिए लेके आऊंगा, तो आपको चिंता नहीं करनी है, मैं आपको इनके लिए नोट्स प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा सॉलिड एफ्यूलियंट सीवर मेडिकल हैजार्ड्स एंड ई वेस्ट से पर्टेनिंग इश्यूज, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि हजार्डियस वेस्ट किसको कहते हैं, मेडिकल वेस्ट किसको कहते हैं, सीवर वेस्ट, या उसको फिर उससे बचाने के हो या उससे मैनेज करने के क्या तरीके होते हैं, सी वेस्ट क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज की डिबेट, जो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन होती रहती है, अर्थ समिट हुई थी, फिर रियो समिट हुई थी, उसके अलावा अगर रिसेंट की बात की जाए तो जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई है, तो इनमें इन डीलों से क्या निकल के आया, फिर उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कॉसेस और उनके रेमेडियल मेजर्स, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है और उससे कोपिंग स्ट्रेटेजीज क्या अपनाई जा सकती हैं। तो ये हो गया 6.6 वाला टॉपिक। अब आते हैं सेवेंथ, ये सबसे बड़ा टॉपिक है जिसमें इंडियन इकोनॉमी से हमें के बारे में हमें बात करनी है, जैसे कि इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहले हम लोगों ने प्लांड इकोनॉमी पे थे और हम लोग थोड़ा सा जो हमारा बायस था वो था सोशलिज्म की तरफ, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या अपनाया, कैपिटलिज्म को, लेकिन उसमें भी अभी सोशलिस्ट टिल है, टिल्ट है। तो ये सारी चीजें कि हमारी जो ट्रिकल डाउन थ्योरी आई थी तो वो उसने कितना काम किया है, या फिर 1991 के रिफॉर्म्स आए थे तो उनसे क्या हुआ, या जो इतने सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए उनका क्या रहा। फिर उसके अलावा ये एमपी से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड, कि जो लो इंडस्ट्रियलाइजेशन है मध्य प्रदेश में उसके क्या कारण है, क्या इनके पास फाइनेंस नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, कैपिटल नहीं है, या एक्सपर्टीज नहीं है, लेबर नहीं है, तो ये सारी चीजें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सेक्टर, तो वो सारे हम देखेंगे। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है, मतलब ये 1991 से ही रिलेटेड है, कि व्हाट इज मेंट बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी, आज के टाइम में इंडियन इकोनॉमी क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, ठीक है, तो इसको हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी बात करेंगे, ग्लोबली भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। या फिर इंडिया, जैसे अभी अगर आज के टाइम पे देखो तो इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमियों में इंडिया सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है, तो ये ट्रेंड वाइज अब हम सारा फ्लो देखेंगे कि कब कैसा रहा, चैलेंजेस फेस क्या कर रही है आज के टाइम पे। जैसे कि इंडिया के पास यंग पावर तो है, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, डेमोग्राफी है, मतलब यंग डेमोग्राफी है, लेकिन इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाने के लिए चैलेंजेस, जैसे स्किल मैन पावर प्रोड्यूस करना, लिटरेसी को और ज्यादा प्रमोट करना, हमारे जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, है ना, उनके पास उतनी ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं है, उनके पास फ्रीडम नहीं है, और हमारे यहाँ की जो ब्रेन पावर है वो क्या कहते हैं एक तरीके से दूसरी कंट्रीज में जा रही है, तो ड्रेनेज हो रहा है हमारी मैन पावर का, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। डेवलपमेंटल प्लानिंग इन इंडिया, तो इंडिया में प्लानिंग सिस्टम कैसा रहा, पहले प्लानिंग कमीशन था, 5 ईयर प्लान को फॉलो कर रहे थे, फिर एनडीए की गवर्नमेंट आती है, वो क्या करती है, प्लानिंग कमीशन को ही स्क्रैप कर देती है, प्लानिंग मॉडल को उन्होंने स्क्रैप करके अब उन्होंने क्या 15 साल की स्ट्रेटेजी, 7 साल की स्ट्रेटेजी और 3 साल का एक्शन प्लान, ये वाला फंडा अपना लिया है।
नेशनल इनकम और अकाउंटिंग सिस्टम क्या है हमारे यहाँ, इसके बारे में बात करेंगे। एंड दी लास्ट वन इज दी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड इश्यूज, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जिसमें आता है आपका रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग कैसे डेवलप कर रहे हैं और उससे पर्टेनिंग क्या इश्यूज है। ठीक है, तो ये 8 टॉपिक अभी और भी हैं, खत्म नहीं हुआ है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल इम्बेलेंस एंड माइग्रेशन। तो इसके इन सारी चीजों के लिए पहले तो आप एनसीईआरटी की 11 और 12 की, जो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसको पढ़ लीजिए, बिकॉज उसमें सारे कॉन्सेप्ट बड़े लूसिड वे में दिए हुए हैं और काफी पतली किताबें हैं वो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो और भी कुछ इशू हैं, जैसे कि अर्बन इश्यूज एंड अर्बन डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज दी, ऐसा क्यों बोला जाता है कि इट इज गोइंग टू बी हैपन और इट इज दी रियलिटी, एज वेल एज इट इज दी व्हीकल फॉर डेवलपमेंट एज वेल, तो ऐसा क्यों, रूरल इश्यूज, रूरल डेवलपमेंट, इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया एंड मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमपी एंड इंडियन इकोनॉमी, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वॉट आर दी फैक्टर्स ऑफ। तो देखिए जो एमपी वाले कॉन्टेक्स्ट है इसके लिए तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, प्लस आपको देखिए मैंने बताया 11th 12th की एनसीईआरटी, उसके अलावा जो कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है आप उसको पढ़ते रहिए, बिकॉज दैट विल ब्रॉडन योर होराइजन, वो आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड करेगा, तो जो आप आंसर लिखोगे ना वो बाकियों के कंपेरिजन में काफी बेहतर होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है फार्म सेक्टर में, सो वॉट आर दी चैलेंजेस और इश्यूज रिलेटेड टू इट। उसके अलावा पीडीएस का सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे वो फंक्शन करता है, लिमिटेशन एंड दी इश्यू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी, तो इसमें आपका करंट एस्पेक्ट भी आता है। सो दिस एवरीथिंग जो हमने मैंने आपको बताया ये तो आपको अपनी तरफ से करना है, बाकी मैं हर एक टॉपिक को, जैसे मैंने आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करवाया वैसे मैं हर एक टॉपिक को पिक करूंगा और आपको कवर करवाऊंगा, सो यू नीड टू बी बिल्कुल रिलैक्स रहना है, चिल रहना है। ठीक है, सो दिस इज वॉट यू नीड टू स्टडी। अब देखो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करवाया है एक एक टॉपिक के साथ, और अभी मैंने खत्म नहीं किया, वो अभी भी कंटिन्यूअस है वो सीरीज, उसके साथ ही साथ इस बार क्या है, नोटिफिकेशन आया, एग्जाम है अप्रैल में प्रीलिम्स का, और फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस में काफी कम गैप है, तो अभी हमारे पास जो टाइम है, जो प्रीशियस टाइम है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे मेंस का सिलेबस कवर करने में। तो मैंने सोचा है कि फरवरी एंड तक मैं आपका GS2 का सिलेबस और GS4 का सिलेबस, दो सब्जेक्ट्स का सिलेबस अभी समाप्त करवा दूंगा और GS1 और GS3 को पैरेलली रन करता रहूंगा, सो दैट जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो आप ज्यादा डरेंगे नहीं और निश्चिंत होकर अपने मेंस का तैयारी करेंगे। ठीक है, ये सारा तरीका है, मैंने आपको बुक्स भी बताई, और इनको हम कैसे कवर करेंगे, हम इसके लिए पुराने साल के पेपर की एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हर एक टॉपिक को पिक करेंगे और उसके बारे में पढ़ाई करेंगे और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर मैं आपको हर लेक्चर में दो क्वेश्चंस लिखने को दूंगा जिनके आप जवाब देंगे, और मैं उसको क्रॉस चेक करके, मतलब आपके एग्जाम जो पेपर के आंसर्स लिखोगे चेक करके आपको सेंड बैक करूंगा, तो ये दूसरा तरीका। तीसरा, मैं कुछ मॉक टेस्ट पेपर बनाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स, उन मॉक टेस्ट पेपर को आप टाइम के साथ देना। देखिए मेंस के एग्जाम में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, कंटेंट तो सबके पास होता है लेकिन उस कंटेंट को प्रेजेंट करने की पावर बहुत कम लोगों के पास होती है, तो ये आपकी एक प्रेजेंटेबल स्किल लेके आना, ये मेरा काम है, ये मैं इंप्रूव करवाऊंगा, विच इज गोइंग टू हेल्प यू। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ये एक तो प्रेजेंटेबल हो गया और दूसरी बात जिस पे आपको ध्यान रखना है कि टाइम लिमिट के अंदर अपना पेपर खत्म करना, इन दोनों ही चीजों के लिए आपको प्रैक्टिस करने की काफी जरूरत है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर इट, एंड आई विश कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और चीजें समझ में आई होंगी। पर्टेनिंग टू दिस लेक्चर अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप लोग मुझे अभी कमेंट कीजिए, मैं अभी आपके सारे कमेंटों को पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई करूंगा। इज दैट क्लियर? Thank you very much for watching this video so sincerely. All the very best and see you in next lecture.